आज टूट सकता है संसद का गतिरोध। विदेश में दिए अपने बयान पर चौतरफा घिरे राहुल गांधी, आज संसद में दे सकते हैं बयान। स्पीकर से मिलकर मांगा वक्त। उधर बीजेपी राहुल की माफी की मांग को लेकर देश भर में चलाएगी अभियान। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ईडी की हिरासत का आज आखिरी दिन। उधर फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी के आरोपों पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। अरविंद केजरीवाल के स्पेशल एडवाइजर राकेश कुमार सिन्हा का नाम भी शामिल। आज से दो दिन के कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विजय संकल्प यात्रा समेत पार्टी के कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। रोड शो के अलावा जनसभा के जरिए कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। G20 अध्यक्षता के तहत अमृतसर में एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज आखिरी दिन। आपसी साझेदारी से समावेशी और गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने पर बनी सहमति। आज से वाराणसी में शुरू हो गई शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक। सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को मिलेगी मंजूरी। अमेरिका में तीसरे बैंक को डूबने से बचाने के लिए आगे आया 11 बैंकों का समूह। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को जमा और पूंजी के तौर पर 30 अरब डॉलर की दी सहायता। अमेरिकी वित्त मंत्री फेड चेयरमैन ने बैंकों के निर्णय का किया स्वागत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज मुंबई में। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या करेंगे कप्तानी।